वेलकम बैक, दिस इज पलक शर्मा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी से रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली इससे पहले मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी एंड बेस थ्योरम पढ़ाया था। सो वो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अब तक की क्लियर रही होंगी। अगर आप लोगों को बाई चांस वो लेक्चर मिस हो गए हैं तो सारे ही लेक्चर्स का पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप लोगों को क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो, क्योंकि इससे आगे आपको बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान्ड अप हैं। तो कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो तो आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे आपको सारे ही लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल्स और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है उसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो देखो रैंडम वेरिएबल क्या है हमारे पास में, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस करा 2 times तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा। अगर कॉइन को टॉस करें तो हेड हेड आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या टेल टेल आ जाए, या फिर आपस में टेल और हेड आ जाए, केस ये हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बोल देती हूँ एक्स क्या करता है, एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को। एक्स कोई भी पर्टिकुलर एक चीज़ सैम्पल स्पेस में से डिनोट कर सकता है। अब यहाँ पर सैम्पल स्पेस में दो ही है, मतलब हेड या फिर टेल, तो उसमें से कोई डिनोट कर सकता है। हेड ने डिनोट किया नंबर ऑफ हेड्स को, तो नंबर ऑफ हेड्स या तो आपके 2 आ जाएं, या फिर आपके 1 आ जाएं, या आपका 0 आ जाए, फिर से आपका 1 आ जाए। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है आपस में 2, 1, 1। एक्स जो है अब हमारा, इसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, और इसकी वैल्यू क्या होती है उस पर्टिकुलर चीज़ पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू जो आपने इसको माना है। अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो इसको और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। उसने क्या करा है, कॉइन को 3 वो टॉस करता है। तो या तो ये सारे आपके केसेस आ सकते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये सारे आपके केस आ सकते हैं। फॉर ईच हेड ही इज़ गिवन ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम। जैसे ही वो हेड ले आता है अगर, तो उसको ₹2 मिलते हैं बाय द ऑर्गेनाइजर। एंड फॉर ईच टेल ही हैज़ टू गिव ₹1.50 टू द ऑर्गेनाइजर। लेट एक्स डिनोट द अमाउंट गेंड और लॉस्ट बाय द पर्सन, शो दैट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिटेड एज अ फंक्शन ऑफ सिंपल ऑफ स्पेस। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है आपसे कि एक पर्सन है, उसने 3 कॉइन को टॉस किया। अब अगर उसके पास में हेड आता है, हर हेड के लिए उसे क्या मिल रहे हैं, ₹2 मिल रहे हैं, बट हर टेल के आते हैं उसको 1.50 खुद देने पड़ रहे हैं, तो उसको क्या लॉस हुआ, क्या गेन हुआ, वो सब क्या होगा हमारे पास में, एक्स डिनोट करता है वो पर्टिकुलर अमाउंट। आपको शो करना है एक्स क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है। तो आइए देखते हैं अब हम लोग इसे किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला केस क्या हो सकता है कि उसके पास में तीनों हेड आ जाएं। अब तीनों हेड आ गए तो उसके पास में 2 × 3 उसे रुपीस मिल जाएंगे, मतलब एक हेड के 2 तो टोटल हैं आपके उसमें, 3 तो 3 आपको टोटल मिल जाएंगे, 6 रुपीज़। ठीक है, तो एक्स की पहले वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 6 आ गई। दूसरा एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है कि आपके पास में 2 की कंडीशन मिल जाए, 2 की फिर चाहे कितनी भी कंडीशन बने, 2 टेल आ जाए, या पहले टेल आ जाए फिर 2 आ जाए, या बीच में हेड आ जाए फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, तो आपकी कितने भी केसेस हो वो सब आपको क्या एक ही तरीके का, मतलब पैसे दे रहे हैं, एक ही तरीके के रुपए दे रहे हैं। जैसे अभी हमने 2 अगर कॉइन को टॉस किया था तो आपको मिल रहे थे 2 हेड, 1 हेड, 1 हेड या 0। अब बात तो एक ही है ना, 1 हेड की आंसर जो एक्स की वैल्यू है वो 1 ही आ रही है। अब तीनों में क्या होगा, एक्स के अंदर 2 ही हेड मिलेंगे, तो इसको हम सेम ही तरीके से ग्रुप कर लेंगे। तो एक हेड के 2 मिले, दूसरे हेड के 2 मिले, टोटल आपको इसमें 4 उसे मिल गए। अब एक बार टेल आ गया तो उसने क्या करा, आपने 1.50 दे दिए, तो आपके पास में बचे 4 − 1.50, दैट इज 2.50। अब तीसरा एक्स का केस क्या होगा हमारे पास में, उसके पास में 2 आ गए और एक ही हेड आया, तो एक हेड आने के लिए उसको मिले 2 एंड टे आने के लिए उसके 1.50 चले गए, यहाँ पर उसके 1.50 चले गए, तो आपके इसमें आप पैसे कितने बचते हैं, -1, मतलब उसको 1 का लॉस हो गया। अब अगर उसके पास में तीनों टेल आ जाते हैं तो उसे क्या होगा, 4.50 का लॉस हो जाएगा। अब इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, इसके रैंडम वेरिएबल्स चूज कर लिए एंड ये हमारे पास में -1, 2.50, -4.50 एंड आपके पास में -1। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को। एग्जाम्पल नंबर 23 देखिए, इसमें सारे अब आपके रैंडम वेरिएबल्स के क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद रैंडम वेरिएबल और अच्छे से देखेंगे। अब जो रैंडम वेरिएबल आपने सेलेक्ट किए हैं उनकी अगर हम प्रोबेबिलिटी भी साथ में लिख दें तो उसको बोल देंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। इस वाले क्वेश्चन से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 डिस्कस करें, इसमें आपसे बोला है 2 आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52। आपने क्या करा, 2 ड्रॉ कर लिए 52 में से, और आपने उसे कैसे करा है, विद रिप्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, विद रिप्लेसमेंट का केस है, मतलब अगर आपने पहला कार्ड निकाला, देखा, वापस रख दिया,
दूसरा कार्ड निकाला, देखा, वापस रख दिया, तो विद रिप्लेसमेंट का केस है, दो कार्ड आपने निकाले, तो क्या प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ एसेस आने की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। अब यहाँ पर आपसे जैसे बोल दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस, तो मतलब एक्स क्या है हमारे पास में, रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ एसेस का, नंबर ऑफ एसेस आपके दो कार्ड आप निकाल रहे हो, तो या तो एक भी एस ना आए, या आपका एक एस आ जाए, या आपके दो एस आ जाए, यही केस हो सकते हैं। एस मतलब आपका जो ए होता है बना हुआ, वो बात कर रहे हैं। तो आपने दो केस, दो कार्ड निकाले, एक भी बार आपको एस नहीं मिला, सारे क्या हुए, कुछ और ही अलग कार्ड मिले, नॉन एस के कार्ड मिले, या आपको एक एस मिल गया एक नॉन एस मिला, या आपको दोनों ही एस मिल गए। अब इसके लिए हमने इसे एक्स मान लिया, तो एक्स की कितनी वैल्यू हो सकती है आपस में, जीरो, वन एंड टू। अब अगर एक्स की वैल्यू जीरो होती है, अब इसके प्रोबेबिलिटी को निकालना ध्यान से देखिए, अगर x की वैल्यू जीरो होती है तो मतलब क्या है, एक तो नॉन एस आया, फिर दूसरा निकाला वो भी नॉन एस आया, तो एक तो आपके पास में टोटल है 52 कार्ड्स, इसके अंदर एस आने के लिए 4 हैं और नॉन एस आने के लिए आपके पास में कितने हैं, 52 माइनस 4 दैट इज 48। तो नॉन एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 48 अपॉन 52, और एस आने की प्रोबेबिलिटी है 4/52, तो यहाँ पर भी 48 इंटू 52 अपॉन इंटू आपके पास में 48 अपॉन 52, पहला भी ये था, दूसरा भी ये था, आंसर आ गया। अब क्या केस हो सकता है कि हमारे पास में x क्या आ जाए, 1 आ जाए, मतलब एस या नॉन एस आए, तो अब इसमें केसेस देखिए, या तो पहला एस होगा दूसरा नॉन एस होगा, दूसरा केस क्या होगा, नॉन एस और एस, दूसरा क्या होगा आपके पास में, मतलब ये दो केस हो जाएंगे, एस नॉन एस आए या नॉन एस एस आए, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों को एडिशन भी करते चलेंगे, 4 × 52 आ गया एस के लिए, नॉन एस के लिए 48 × 52 आ गया, प्लस आप करेंगे 48 × 52 अपॉन 4 × 52, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी के दो केस बनने हैं, प्रोबेबिलिटी इसकी मैक्सिमाइज हो सकती है, तो इसको दो पार्ट करने हैं हमें, तो दोनों को ऐड करेंगे तब आपके पास में इसका आंसर आएगा। अगर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 की मैं बात करूँ, तो एस और एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पहला भी एस आ गया दूसरा भी एस आ गया, इसके लिए केस तो आपके पास में एक ही है, ए आए बस, तो उसके लिए आपके पास में प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आपको क्या करना है, टेबल बनानी है, एक्स लिखना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखनी है, आपके पास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 26, इसके बाद हम लोग फिर मीन वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 26 में आपसे क्या बोला है, लेट एक्स नोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स कैन टेक एनी वैल्यूज ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वेयर के इज सम अननोन कांस्टेंट। आपसे बोला है एक्स क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ आवर्स डिनोट करता है जो आप पढ़ते हैं किसी भी एक सेलेक्टेड रैंडम डे में, मतलब आपने कोई भी रैंडम स्कूल डे उठा लिया, फिर आपने देखा उसके अंदर मैं कितने आवर्स पढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, वो आपको गिवन है एक्स की फॉर्म में। अब एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो उसके अंदर जीरो आवर्स हो गए, अगर एक्स की वैल्यू 1 या 2 है तो ये हो जाएगी फॉर्म, 3 और 4 है तो ये, एंड 0 आपके अदरवाइज। आप ध्यान से देखिएगा, दो रूल हैं आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, एक तो रूल ये है कि आपके पास में जो ये प्रोबेबिलिटी आए वो 0 से 1 के बीच में आए, ये सारी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए, दूसरा जो इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम है वो आपका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से टेबल ड्रॉ करूँ, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर आपके पास में, 0, ठीक है, 0.1, ठीक है, 0.1। अगर हमारे पास में x की वैल्यू 1 या 2 है तो वैल्यू कितनी आ रही है, के एक्स आ रही है, तो आपके पास में मतलब k आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी 2k। अगर x वैल्यू 3 और 4 है तो आपके पास में जाएगा के 5-3, दूसरे के लिए हो जाएगा के 5-4, आप उसकी वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज आपको गिवन है कि पूरा का पूरा 0 का केस है, तो आप यहाँ तक ले लेंगे 4 तक। अब जो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, हमें पता है हर प्रोबेबिलिटी इवेंट के सम क्या होगा हमारे पास में, 1 होगा, तो इन सब का सम हम लोग करेंगे 1 के इक्वल, यहाँ से आपके पास में आ जाएगी k की वैल्यू, दैट इज 0.15। क्लियर हुआ? अब देखो, फर्स्ट केस में हमें निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो वो हमने निकाल ली। सेकंड केस में आपसे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, मतलब आप एटलीस्ट 2 आवर्स तो पढ़े ही पढ़े, उससे ज़्यादा फिर आप कितना भी पढ़ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स के ग्रेटर देन और इक्वल टू होने के 2 आवर्स से, मतलब 2 तो हो ही हो, उसके आगे फिर चाहे कुछ भी हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आवर्स के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 2 वाली को ऐड करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 3 एंड एक्स इक्वल्स टू 4 वाली को ऐड करेंगे, और आपके इसमें आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू आपके इसमें आ चुकी है, उसको पुट कर देंगे। दूसरा एग्जैक्टली 2 आवर्स, तो मतलब एग्जैक्टली 2 आवर्स को आप लेंगे। तीसरा क्या है, एटमोस्ट 2 आवर्स, मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये केस आ जाएगा, ये केस आ जाएगा, आप लोग निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स की, तो मीन के लिए हमें क्या करना है, हमने जो एक्स आई की एक टेबल बनाई,
एक हमने पी एक्स की टेबल बनाई, हम क्या करेंगे एक्स आई इंटू पी आई, एक्स आई इंटू पी आई, एक्स आई इंटू पी आई की एक टेबल बनाएंगे और उन सबका एडिशन कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा मीन। अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे इन्हें सबको समझेंगे। वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस सिग्मा एक्स आई पी आई होल स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके पास में जो टेबल बनी हुई है वो देखिए, पहले आपकी टेबल होगी एक्स आई की, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग लिख लेंगे पी एक्स आई, फिर हम इसका एक्स आई इंटू पी आई करेंगे और जो भी आपको इसमें आंसर आएगा उसका टोटल करके सिग्मा यहाँ लिख देंगे, तो आपका हो गया मीन। उसके साथ में आपको क्या करना है, एक्स आई स्क्वायर की टेबल बनानी है और एक्स आई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे पी आई के साथ में, फिर इन सबको सम करेंगे तो आपको इसमें आ जाएगा सिग्मा एक्स आई इंटू आई स्क्वायर इंटू पी आई। इसमें से इसको माइनस कर देंगे इसके स्क्वायर को, आपके पास में आ जाएगा वेरियंस। आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं वेरियंस के फॉर्मूले का, एंड मीन का फॉर्मूला था आपका सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई। ये है मीन और ये है आपके पास में वेरियंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें पता ही है रूट ऑफ वेरियंस होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जांपल नंबर 29 देख लेते हैं एंड इससे हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला है टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्या बोला है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। आपने क्या करा, दो कार्ड्स उठाए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स। आपको मीन निकालना है, वेरियंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है फॉर द नंबर ऑफ किंग्स। अब हमें पता है नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं हमारे पास में, नंबर ऑफ किंग्स होते हैं आपके पास में 4। तो या तो 0 किंग मिले या 1 किंग मिले, आपने दो ही कार्ड निकाले हैं, तो या फिर 2 किंग मिले। तो आपके उसमें अब आपने क्या करा, 52 कार्ड्स थे टोटल, उसमें से आपने दो कार्ड निकाले। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल क्या लिया है, नंबर ऑफ किंग्स। तो या तो आपको एक भी किंग ना मिला, या तो आपको एक किंग मिले, या फिर आपको दो किंग मिल जाए। तो एक भी किंग नहीं मिलने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, जो बाकी के 48 कार्ड्स बचे हुए हैं, इसको ध्यान से देखिए, 52 में से आपको इसमें 4 तो किंग हो गए, 48 बचे हुए कार्ड्स हो गए। तो जो बाकी के 48 बचे हुए कार्ड्स हैं उनमें से आपने कोई भी दो को चूज़ कर लिया अपॉन 52C2। तो 52 में से कोई भी दो को चूज़ करने, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई जो बाकी के 48 बचे हुए उनमें से कोई दो चूज़ कर लिया आपने, फिर आप इनको सॉल्व करेंगे आपस में आंसर आ जाएगा। सेकंड केस क्या है, वन किंग एंड वन नॉन किंग। मतलब पहला एक तो आपने 4 में से चूज़ कर लिया, दूसरे जो बचे हुए 48 हैं उनमें से आपने कोई एक चूज़ कर लिया। सी हम क्यों लगा रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें पता है कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ चूज़ करना होता है, कोई पैटर्न हमारे लिए मायने नहीं रखता। क्या आया ये मायने नहीं लगता हमें, क्या नॉन किंग आया मतलब फिर वो कुछ भी आए, नॉन किंग में आपको क्वीन आ जाए, जे आ जाए, ए आ जाए, 1 2 3 कुछ भी आ जाए, आपको मायने नहीं रखता। तो 48 इंटू C1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 उठा रहे हैं 48 में से, 1 उठा रहे हैं 4 में से अपॉन टोटल 52 में से हम क्या उठा रहे हैं, C2 कर रहे हैं। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे आपको इसमें आंसर आ जाएगा। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, टू किंग्स के आने की प्रोबेबिलिटी जाएगी 4C2 अपॉन 52C2, सॉल्व करेंगे आपको इसमें आंसर आएगा। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स क्या है, 0, 1 और 2 हो सकता है, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख लिया हमने। मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा एक्स आई इंटू पी आई, दैट इज 0 × this, 1 × this and 2 × this, इनका एडिशन करिए आंसर आ जाएगा। वेरियंस आप लोग क्या निकालेंगे, ई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई एक्स इंटू इसका पूरा का पूरा होल स्क्वायर। तो ई इंटू एक्स आई स्क्वायर करेंगे, एक्स आई का स्क्वायर करेंगे, उस साथ में प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साथ में माइनस कर देंगे उसमें से मीन का स्क्वायर, आपका इसमें वेरियंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वेरियंस, इसका रूट करेंगे आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप कि ये जो भी चीज़ें हैं आपके पास में, मीन, रैंडम वेरिएबल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को क्लियर नहीं हुई है तो वो आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड अगर आप लोग कोई घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड अगर आप लोगों को कोई भी कैजुअल डाउट आता है तो आप वो मुझे Q&A वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग अमेजिंग लेक्चर्स आगे भी मिलने वाले हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल जरूर प्रेस कर देना है, जिससे आप लोगों को सारे ही लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल द एंड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।